Good morning, students. Once again, I welcome you all on our YouTube channel. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी. हमने देखा था कि किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम जब आप देते हैं तो उस नेम के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द जेनेरिक नेम, अनदर वन इज स्पेसिफिक एपिटेट. जो बायनोमियल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसको प्रपोज करने वाले कैरोलस लेनेनियस थे. हमने डिफरेंट कोड्स के बारे में भी बात की थी कि डिफरेंट कोड्स जो हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है. फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी बायनोमियल एपिटेथ की. बायनोमियल एपिटेथ में हमने कहा था कि कभी कभार जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं तो जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया होता है, उस साइंटिस्ट का नाम भी एब्रिवेटेड मैनर में हम स्पीशीज एपिटेथ के बाद लिख देते हैं. तो जब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम इस तरीके से लिखा जाता है कि उसमें साइंटिस्ट का नाम भी एब्रिवेटेड मैनर में आता है, तो उसे हम बायनोमियल एपिटेथ बोलते हैं. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये कहा था कि दो सिस्टम्स हैं ऑर्गेनिजम्स की नॉमेनक्लेचर के. पहला हम वहाँ डिस्कस कर चुके थे, दैट इज बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एंड में हम स्पीशीज की कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं. तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. And our today's first topic, it will be trinomial system of nomenclature. It is trinomial system of nomenclature. देखिए, binomial system में जो नाम था organism का, उसमें दो words थे. मैंने कहा था ना कि bi का मतलब दो होता है. Trinomial system में ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेम में तीन शब्द आएंगे. जिस तरीके से बायनोमियल सिस्टम को प्रपोज किया था कैरोलस लेनेनियस ने, उसी तरीके से ट्राइनोमियल सिस्टम को प्रपोज किया है दो साइंटिस्ट्स ने, हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड. हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड, these are the name of the two scientists who proposed trinomial system of nomenclature, Huxley and Strickland. अब देखें, trinomial system में जो नाम है उसमें तीन शब्द आते हैं, वो क्या क्या है? पहला होता है आपका generic name, जैसे कि binomial system में भी था, जो कि genus को represent करता है. दूसरा है स्पेसिफिक एपिटेथ, एपिटेथ जो कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. और यहां पर एक एडिशनल वर्ड भी आएगा, व्हाट इज दैट? दैट विल बी द नेम ऑफ सब स्पीशीज और वैरायटी. सब स्पीशीज की बात हम एनिमल्स में करेंगे और वैरायटी की बात हम करेंगे प्लांट्स में. ये जो तीसरा शब्द आएगा नाम में, ये सब स्पीशीज का होगा, यानी कि वो सब स्पीशीज को बताएगा कि ऑर्गेनिज्म किस सब स्पीशीज से बिलोंग करता है. एनिमल्स के केस में जिस चीज को सब स्पीशीज आप कहते हैं, सिमिलर सी चीज प्लांट्स के केस में वैरायटी रिप्रेजेंट करती है. तो तीन शब्द आए, पहला जेनेरिक नेम जो कि जेनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिटेथ जो कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा है सब स्पीशीज का नेम या वैरायटी का नेम. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि सब स्पीशीज या वैरायटी क्या चीज होती है, बिकॉज ये एक नया शब्द हमारे लिए आया है. पहले हमें इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए क्रो है, जो हाउस क्रो होता है, उसका आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, इट इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस.
दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ हाउस क्रो. इसमें ये जो शब्द है कॉर्वस, इट इज अ जेनेरिक नेम. ये जेनेरिक नेम है. स्प्लेंडेंस जो शब्द है ये स्पेसिफिक एपिटेट है. जबकि ये जो स्प्लेंडेंस है दूसरे वाला, दैट रिप्रेजेंट दी सब स्पीशीज. ये रिप्रेजेंट करता है सब स्पीशीज को. दिस इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो. कॉर्वस जेनेरिक नेम है, स्प्लेंडेंस स्पेसिफिक एपिटेट है, और जो दूसरे वाला स्प्लेंडेंस है ये सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसी तरीके से आपने घर में भी खाई होगी कैबेज, जैसे कि आप बोलते हैं बंद गोभी. वन इज कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है. एक होती है कैबेज, कैबेज इज पत्ता गोभी, जिसको आप जिसके आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वो बंद होते हैं कंप्लीटली. तो कैबेज का साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं, इट इज ब्रैसिका, ब्रैसिका ओलीराकी, ओली राकी एंड कैपिटेटा. ब्रैसिका ओलीराकी कैपिटेटा, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैबेज. अब इस नाम में तीन शब्द हैं. वन इज ब्रैसिका, ब्रैसिका इट इज जेनेरिक नेम. Another one, oliraki, that is a specific epithet. Or capitata, it represent the variety. जो capitata शब्द है ये variety को represent कर रहा है. तो अगर animals के केस में देखें तो जो तीसरा शब्द है वो subspecies बताता है. Plants के केस में देखें तीसरा शब्द आपको variety के बारे में बताता है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि नाम के तीन कंपोनेंट्स हैं. ये दो कंपोनेंट्स आप बाइनोमियल सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए नए नहीं है. लेकिन ये जो तीसरा कंपोनेंट है जो कि सब स्पीशीज या वैरायटी से रिलेटेड है, दिस कंसेप्ट इज न्यू और ये ट्राइनोमियल सिस्टम के अंदर आता है. एडिशनल ये चीज है जो कि ट्राइनोमियल सिस्टम में आती है. तो आइए अब समझते हैं सब स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को. जब आप एनिमल्स की नेमिंग की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के तहत आप एनिमल्स का नाम रखते हैं, एनिमल्स की नेमिंग में जो आपकी सबसे बेसिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज की, उससे भी नीचे एक को और कैटेगरी मानी जाती है जिसे सब स्पीशीज बोला जाता है. हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कैटेगरीज हैं, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उसके बारे में बात किया था. और जो बेसिक और जो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसे हमने स्पीशीज बोला था. तो स्पीशीज से भी नीचे एनिमल्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है, उसे हम सब स्पीशीज का नाम देते हैं. तो समझते हैं कि भाई सब स्पीशीज क्या चीज है. अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन और स्पीशीज में क्या डिफरेंस है. स्पीशीज का हमने बात की थी एक कि ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जिसके ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकें और इंटरब्रीडिंग शो करके वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें. ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रुप को आप स्पीशीज का नाम देते हैं. यही बात थी ना कि स्पीशीज दैट वाज अ ग्रुप ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर स्पीशीज. This is the concept of a biological species. अब देखिए population और species में क्या फर्क है. Population क्या है, किसी एक species से belong करने वाले organisms का एक ऐसा group जो कि किसी particular area में रह रहा है. जैसे मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं,
उनकी एक पॉपुलेशन हो गई भाई नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन बीइंग्स साउथ इंडिया में रह रहे हैं उनकी एक पॉपुलेशन हो गई साउथ इंडियन पॉपुलेशन, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे हैं उनकी एक पॉपुलेशन हो गई नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हैं तो ह्यूमन बीइंग्स ही, जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है तो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में भी सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, एक ही स्पीशीज बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बट क्योंकि वो एक नॉर्थ इंडिया के एरिया में रहते हैं तो मैंने उसे नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन बोल दिया। ठीक है, फिर जो साउथ इंडिया के एरिया में रह रहे थे उनको साउथ इंडियन पॉपुलेशन बोल दिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे थे उनको नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन बोल दिया। अब ये तो हमारे विद इन कंट्री की बात थी। मान लीजिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि भाई इंडिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वो इंडियन पॉपुलेशन बना रहे हैं, यूएस में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं वो यूएस की ह्यूमन पॉपुलेशन बना रहे हैं। तो पॉपुलेशन कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है उसे हमने पॉपुलेशन का नाम दिया। अब मान लीजिए मैं एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास ये दो एरियाज हैं, एक तो ये एरिया है और इसके बीच में बहुत बड़ा माउंटेन है और दूसरा एरिया है ये। दिस इज एरिया ए एंड दिस इज एरिया बी, इसको मैंने कहा एरिया ए एंड दिस इज एरिया बी। Both these areas are separated by a very large sized mountain. कि बहुत बड़ा सा पहाड़ है इन दो areas के बीच में। इस area A में किसी particular species से belong करने वाली मान लीजिए तीन populations रहती हैं। ये हो गई एक population, ये हो गई दूसरी population, ये हो गई तीसरी population। इस type से ठीक है, ये इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के। तो एरिया ए में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करने वाली तीन पॉपुलेशन से रहती हैं। एरिया बी में उसी स्पीशीज से बिलोंग करने वाली मान लीजिए चार पॉपुलेशन से रहती हैं, तीन मान लो चार मान लो कितनी भी मान लो, मान लीजिए चार पॉपुलेशन से रहती हैं, एक दो तीन और चार, इस टाइप से ये इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। अब क्या है, एरिया ए की जो पॉपुलेशन है और जो एरिया बी की पॉपुलेशन है ये दोनों ही पॉपुलेशन सेम स्पीशीज से बिलोंग करती हैं, ये पॉपुलेशंस भी उसी स्पीशीज की हैं, ये पॉपुलेशंस भी उसी स्पीशीज की हैं, तो ये आसानी से इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। पर क्योंकि ये दोनों, ये जो ग्रुप था पॉपुलेशंस का, ये इस ग्रुप से आइसोलेट हो गया। क्यों आइसोलेट हो गया, कि भाई इनके बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था और उस पहाड़ को इतनी आसानी से चढ़ के नहीं जाया जा सकता था, इस वजह से इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसके बीच में उनके बीच में इंटरब्रीडिंग भी नहीं हो रही है, जिस वजह से इनके बीच में इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इस वजह से सब स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है कि जो एरिया ए की पॉपुलेशंस हैं वो सब स्पीशीज ए बना लेंगी, सब स्पीशीज ए बना लेंगी, और जो एरिया बी की पॉपुलेशंस हैं वो सब स्पीशीज बी बना लेंगी, सब स्पीशीज बी बना लेंगी। एरिया ए की जो पॉपुलेशंस हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग शो करेंगी, इस तरीके से आपस में इंटरब्रीडिंग शो करेंगी, बट वो एरिया बी की पॉपुलेशंस के साथ, एरिया बी की पॉपुलेशंस के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं शो करेंगी। क्यों नहीं शो करेंगी, ज्योग्राफिकली ये ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के आइसोलेट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं।
कई बार सब स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो रिस्पॉन्सिबल होती ही है, एक दूसरा फैक्टर भी आता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि इस एरिया के अंदर रहने वाली पॉपुलेशंस, इस एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाली पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स उसी पर्टिकुलर एरिया की ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीडिंग करना पसंद करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही है कि भाई आप इंडिया में रहते हैं तो आप किसी इंडियन के साथ ही शादी करना पसंद करेंगे, आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन के साथ ही शादी करना पसंद करेंगे। तो सिमिलर सी कॉन्सेप्ट है ये सेक्सुअल सिलेक्शन कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अपने ही एरिया के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीडिंग करना पसंद करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से या ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से जब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाली पॉपुलेशंस एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं शो करती, तब फॉर्मेशन होती है सब स्पीशीज की। तो यहां पर दो सब स्पीशीज बन गई, वन इज अ सब स्पीशीज ए, अनदर वन इज सब स्पीशीज बी। ठीक है, तो जो तीसरा शब्द ट्राइनोमियल सिस्टम में आ रहा था वो सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉन्सेप्ट सब स्पीशीज का आप एनिमल्स के केस में यूज करते हैं वैसा सा ही कॉन्सेप्ट आपका वैरायटी का है प्लांट्स के केस में। वैरायटी के बारे में आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट वैरायटी। जैसा कॉन्सेप्ट सब स्पीशीज का एनिमल्स के केस में होता है ठीक वैसा सा ही कॉन्सेप्ट वैरायटी का होता है प्लांट्स के केस में। अब जैसे हम बात करें कैबेज की और कॉलीफ्लावर की, तो जो कैबेज होती है आपकी दैट इज ब्रासिका ओलेराकी कैपिटेटा, दैट इज कैबेज। और कॉलीफ्लावर की बात करें तो ब्रासिका ओलेराकी बॉटाइराइटस, दैट इज कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर और कैबेज सेम प्लांट की दो डिफरेंट वेराइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनका जेनेरिक नेम सेम है, स्पेसिफिक एपिटेट भी सेम है, बट जो तीसरा शब्द था जो कि वेराइटीज को रिप्रेजेंट कर रहा था ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में, वो डिफरेंट है। तो कैबेज में वेराइटी का जो नेम है दैट इज कैपिटेटा, कॉलीफ्लावर में जो वेराइटी का नेम है दैट इज बॉटेराइटस। तो ये था कॉन्सेप्ट वैरायटी का और सब स्पीशीज का ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में। अब हम तीन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट आर दोज थ्री टर्म्स? लेट अस टॉक अबाउट दोज थ्री टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। देखिए, एक है ऑटोनिम, एक है टोटोनिम और एक है होमोनिम। ओके, व्हाट आर दीज टर्म्स? ऑटोनिम क्या चीज होता है? ऐसा साइंटिफिक नेम जहां पर स्पेसिफिक एपिटेट और सब स्पीशीज का जो नेम है वो सेम होता है। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने क्रो के साइंटिफिक नेम के बारे में बात की थी, इट वॉज कॉर्वस स्प्लैंडिन्स, दैट वॉज द नेम ऑफ क्रो।
तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिटेट है और ये सब स्पीशीज का नाम है। तो सब स्पीशीज का नाम और स्पेसिफिक एपिटेट यानी कि स्पीशीज का नाम, ये दोनों सेम हैं। ऐसा साइंटिफिक नेम जहां पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिटेट सेम होते हैं, सॉरी नॉट दी, ऐसा साइंटिफिक नेम जहां आपका स्पेसिफिक एपिटेट और सब स्पीशीज का जो नेम है सेम होते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स में जो स्पेसिफिक एपिटेट है दैट इज सिमिलर टू नेम ऑफ सब स्पीशीज, सब स्पीशीज। ओके, एक और एग्जाम्पल हम इसका कर सकते हैं। बबूल का जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम देखिए आप, अकाइशिया नाइलोटिका नाइलोटिका। यहां पर आप देखें, पहला जेनेरिक नेम है, दूसरा आपका स्पेसिफिक एपिटेट है, तीसरा जो नेम है ये वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये प्लांट का नाम है, तो तीसरा शब्द वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक ऑटोनिम है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक एपिटेट हो और जो वैरायटी का नेम है ये दोनों सेम हैं। तो जो ऑटोनिम्स हैं दीज आर अलाउड, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में भी ये अलाउड होते हैं, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में भी ये अलाउड होते हैं। क्या चीज? ऑटोनिम्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉटोनिम्स की। टॉटोनिम्स का एग्जाम्पल मैं लेती हूं, इधर मैं लिखती हूं टॉटोनिम। अगर मैं गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम लिखूं, इफ आई राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला देन इट इज गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। आप देखें इधर, इस साइंटिफिक नेम के अंदर जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिटेट ये दोनों सेम हैं। ये वाला जो नेम है ये आपको टॉटोनिम का भी एग्जाम्पल देगा और आपको ऑटोनिम का भी एग्जाम्पल देगा। ये वाला नेम ऑटोनिम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो स्पेसिफिक एपिटेट है और जो सब स्पीशीज का नेम है ये दोनों सेम है, तो ये एक तरीके से ऑटोनिम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम। दूसरा, ये टॉटोनिम को रिप्रेजेंट करता है कि जहां पर जो आपका जेनेरिक नेम है वो स्पेसिफिक एपिटेट जैसा ही है। तो जिस नेम में जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिटेट एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसे बोलते हैं टॉटोनिम। ये जो साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉटोनिम एज वेल एज ऑटोनिम। टॉटोनिम भी है, ऑटोनिम भी है। टॉटोनिम क्यों है? क्योंकि जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिटेट जैसा ही है, जब ये दोनों नेम एक जैसे होते हैं तो उसे टॉटोनिम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक एपिटेट और जो सब स्पीशीज है वो दोनों नेम्स भी एक ही जैसे हैं, तो इसे आप ऑटोनिम भी बोल सकते हैं। टॉटोनिम्स का इस्तेमाल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, यानी कि जब आप एनिमल्स की नेमिंग करते हैं, उस वक्त वैलिड माना जाता है, लेकिन प्लांट्स की नेम में टॉटोनिम्स जो हैं वो इनवैलिड माने जाते हैं। यानी कि प्लांट्स की नेमिंग में अगर आप जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिटेट एक जैसा यूज करेंगे तो वो नेम वैलिड नहीं होगा, वो नेम इनवैलिड होगा। ओके, तो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनिम, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोनिम। ऑटोनिम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर दोनों में वैलिड है, चाहे आप प्लांट्स का नाम रखें चाहे आप एनिमल्स का नाम रखें। अगर आपने स्पेसिफिक एपिटेट और सब स्पीशीज सेम यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नाम वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर हम टॉटोनिम की बात करते हैं जहां पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिटेट सेम होते हैं, वो सिर्फ आपका जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में वैलिड माना जाएगा। प्लांट्स की नेमिंग के दौरान आपका टॉटोनिम जो है वो इनवैलिड हो जाता है।
फिर एक टर्म आती है होमोनिम की. होमोनिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोनिम? होमोनिम पहली बात तो इनवैलिड होता है कि किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को सेम साइंटिफिक नेम दे देना. किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को जब आप सेम साइंटिफिक नेम दे देते हैं तो उसे होमोनिम्स बोला जाता है. लेकिन जो होमोनिम्स होते हैं वो इनवैलिड होते हैं. होमोनिम्स आर इनवैलिड्स. होमोनिम्स आर इनवैलिड. तो किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा का पूरा साइंटिफिक नेम है वो सेम नहीं हो सकता. अगर आप किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को सेम साइंटिफिक नेम देते हैं तो आप उसको होमोनिम बोलते हैं और होमोनिम इनवैलिड होते हैं. ओके, तो हमारा ट्राइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का यहीं पर खत्म होता है. अब हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में एक बार हम रिवाइज करें तो मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे. The name of the scientists who proposed trinomial system of nomenclature, that was Huxley and Strickland. Second thing, trinomial nomenclature के अंदर जो naming होती है organism की, उसमें तीन parts आते हैं, generic name, specific epithet and the name of a subspecies or variety. आफ्टर दैट सबस्पीशीज के बारे में हमने बात की कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाली वो पॉपुलेशंस जो कि एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती हैं, कभी कभार ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से आइसोलेट होती हैं, कभी कभार सेक्सुअल सिलेक्शंस की वजह से आपस में इंटरब्रीडिंग ऐसी पॉपुलेशंस शो नहीं कर पाती, तो सब स्पीशीज बनती हैं. एक पर्टिकुलर एरिया की सारी पॉपुलेशंस एक सब स्पीशीज बना लेती हैं, दूसरी एरिया की सारी पॉपुलेशंस दूसरा सब स्पीशीज बना लेती हैं. After that, हमने ऑटोनिम के बारे में बात की. That was simple, specific epithet, subspecies same है तो ऑटोनिम है. टॉटोनिम, generic name और specific epithet same है तो वो टॉटोनिम है. होमोनिम्स जो कि invalid होते हैं, कि भाई किन्हीं दो organisms की जो scientific name है वो सारा का सारा same हो जाए तो उसे होमोनिम बोलते हैं, लेकिन ये possible नहीं है. तो इट इज इनवैलिड. अब हम बात करते हैं स्पीशीज की कॉन्सेप्ट के बारे में. नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीशीज, ही वाज जॉन रे. द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज एंड हु gave the concept of species. John Ray ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीशीज टर्म को क्वाइन किया. उनकी एक बुक आई थी Historia Generis Plantarum. उनकी इस बुक में जिसका नाम था Historia Generis Plantarum Plantarum ऑलमोस्ट 18,000 स्पीशीज के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था. 18,000 स्पीशीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया था. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज, जो कि बहुत बार पूछा जाएगा. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म स्पीशीज, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज जॉन रे. जॉन रे ने टर्म स्पीशीज दिया. अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आती हैं स्पीशीज की. एक है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है टैक्सोनॉमिक स्पीशीज. वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो पहली कॉन्सेप्ट आती है बायोलॉजिकल स्पीशीज. बायोलॉजिकल स्पीशीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय Ernst Mayr. It was given by Ernst Mayr.
बायोलॉजिकल स्पीशीज की कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नस्ट मेयर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज? अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग शो करते हैं और इंटरब्रीडिंग शो करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा बायोलॉजिकल स्पीशीज. ओके, अर्नस्ट मेयर ने क्या कहा कि एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग शो करते हैं, जिसके इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीडिंग शो करेंगे, लेकिन कंडीशन सिर्फ इंटरब्रीडिंग तक लिमिटेड नहीं है. इंटरब्रीडिंग करने के बाद प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल होने चाहिए, ऐसा बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में अर्नस्ट मेयर ने कहा. अब कभी कभार ये चीज हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स भी इंटरब्रीडिंग शो कर देते हैं. तो इसीलिए मैंने कहा कि इंटरब्रीडिंग शो करें, साथ में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें. तो इंटरब्रीडिंग शो कर लेते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि म्यूल है, हिनी है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ हॉर्स एंड डोंकी. हॉर्स और डोंकी दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. ये एक स्पीशीज से बिलोंग करता है, ये दूसरी स्पीशीज से. इन्होंने इंटरब्रीडिंग तो शो कर ली, लेकिन उससे पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये फर्टाइल ना होकर ये स्टराइल होते हैं. तो दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म जब इंटरब्रीडिंग होगी, साथ में ऑर्गेनिज्म फर्टाइल भी बनेगा, तभी हम मानेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. तो अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीडिंग शो करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. अब क्योंकि एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ जब इंटरब्रीडिंग करते हैं तभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. अगर दूसरे स्पीशीज के साथ वो इंटरब्रीडिंग शो करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते. दैट्स वाई एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसा कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं. यानी कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं. आइसोलेशन का मतलब अलग है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन की टर्म्स में, कि अपने ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीडिंग शो कर लेते हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते. दैट्स व्हाई किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं. क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं तो जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं वो जेनेटिकली एक क्लोज्ड सिस्टम है. बायोलॉजिकल स्पीशीज रिप्रेजेंट्स अ जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जीन्स का एक्सचेंज होता है, लेकिन एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ही आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो विद इन द सेम स्पीशीज जीन्स का फ्लो होगा,
एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जीन्स का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स दूसरे स्पीशीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, क्योंकि एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, क्योंकि दो स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन ही नहीं होती तो जीन्स का फ्लो भी नहीं होता, तो हर एक स्पीशीज को जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम माना गया है, कि जीन्स की टर्म्स में वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, किसी दूसरी स्पीशीज से जीन्स का इनफ्लो किसी स्पीशीज के अंदर नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई अ स्पीशीज इज अ जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम. तो ये थी कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज की, जिसे दिया अर्नस्ट मेयर ने. स्पीशीज की कॉन्सेप्ट और टर्म स्पीशीज दी जॉन रे ने. आफ्टर दैट बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया अर्नस्ट मेयर ने. जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पीशीज की, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज कर सकते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. अब मान लीजिए मैं बैक्टीरिया की बात करने लग जाती हूँ या मैं अमीबा की बात करने लग जाती हूँ, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करते, तो वो इंटरब्रीडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता वहाँ पर. तो वहाँ पर आप बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ नहीं कर सकते. ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें कुछ डिफरेंट फीचर्स का यूज करना पड़ता है स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए. अब एक कॉन्सेप्ट और आती है हमारे पास. ये हो गए बायोलॉजिकल स्पीशीज. अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक स्पीशीज के बारे में, कि व्हाट आर टेक्सोनॉमिक स्पीशीज. टेक्सोनॉमिक स्पीशीज बायोलॉजिकल स्पीशीज से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. टेक्सोनॉमिक स्पीशीज की कॉन्सेप्ट में हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की तरह हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात नहीं करते, हम इंटरब्रीडिंग की बात नहीं करते. इस कॉन्सेप्ट को, टेक्सोनॉमिक स्पीशीज की कॉन्सेप्ट को, टॉपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है या असेंशियलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है. टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज ऑल्सो नोन एज टॉपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और असेंशियलिस्टिक कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम इंटरब्रीडिंग का यूज नहीं करते स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए. जैसे बायोलॉजिकल स्पीशीज में हम कह रहे थे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो इंटरब्रीडिंग शो करता है, ऐसा इंटरब्रीडिंग की कॉन्सेप्ट का यूज हम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज में नहीं करते. टेक्सोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज की, उसके अकॉर्डिंग स्पीशीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, एक लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मानी जाती है. ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स एक जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक जनरल प्लान को फॉलो करते हैं. जैसे मान लीजिए सभी ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशीज बना रहे हैं, एक टेक्सोनॉमिक स्पीशीज बना रहे हैं, तो सभी ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ना कुछ आप एक को जनरल पैटर्न देखने को मिलेगा आपको. एक चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात कर लीजिए, चाहे वो एनाटॉमिकल फीचर्स की बात कर लीजिए, सभी ह्यूमन बीइंग्स में आपको दो हाथ दिखाई देंगे, दो पैर दिखाई देंगे. ठीक है, इस टाइप की जो मॉर्फोलॉजिकल, एक मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न, एक मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है. भाई सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो सेट होते हैं टीथ्स के, सभी ह्यूमन बीइंग्स की आरबीसी जो आपकी रहती है उसमें न्यूक्लियस का लॉस हो जाता है. तो एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स एक जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक जनरल प्लान वो शो करते हैं. ऐसा
टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज हमें बताता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ट्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। आमतौर पर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का यूज़ करते हैं टेक्सोनॉमिक स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।